वर्ल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नगर परिषद की ओर से बनाई जा रही इंदिरा रसोई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कार्य को रुकवा दिया गया। स्थानीय निवासी मोहन शर्मा ने बताया कि कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड में 5 साल पहले सब्जी मंडी की जगह अंकित की गई, इसके बावजूद प्रशासन ने सब्जी मंडी का निर्माण न कराकर इंदिरा रसोई का निर्माण कराया जा रहा है, यह न्याय संगत नहीं है। व्यापारी हिम्मत ने बताया कि वह 5 साल पहले सब्जी मंडी के नाम दर्ज है। यहाँ मंडी बनने से मार्केट का विकास होगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, वहीं लोगों को सस्ते दर पर सब्जियां उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया नगर परिषद को इंदिरा रसोई पीछे व खाली पड़ी जमीन पर बनवानी चाहिए, जिससे लोगों को भीड़ से निजात मिले। साथ ही इस स्थान पर सब्जी मंडी का निर्माण होना चाहिए। आपका क्या नाम है और क्या? मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है, मैं 97 से यहाँ बैठा हुआ हूँ। और मार्केट का विकास नहीं हो पा रहा है। जो मंडी बनी थी, हम लोग उम्मीद लगी थी कि मंडी चालू होगी तो कुछ मार्केट का विकास होगा, जिससे हमारा रोजगार बढ़ेगा। लेकिन क्या, जैसे पता लगा हमको कि यहाँ पर इंदिरा रसोई बन रही है, हमें उसका विरोध नहीं करे, रसोई नहीं बननी चाहिए क्योंकि गरीबों का भोजन उसमें मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं जो जिस काम के लिए आवेदन की गई जमीन उससे वो खुले और मार्केट का विकास है। तो क्या कारण मानते हो 5 साल से इसका आवंटन लोगों? ये क्या है, नगर परिषद ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, अपनी संपत्ति पे ध्यान नहीं दिया, लापरवाही समझ लो इस चीज की, है ना। ये काफी लोग यहाँ पे सड़कों पे ठेक खोल के बैठे हैं, सड़कों पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी यहाँ पर एक साथ आ जाती है तो उससे क्या है कि अपने यहाँ पर सबको सस्ती सब्जी मिलेगी एक जगह, लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और उससे क्या है सबको रोजगार ही मिलेगा। मतलब मंडी बननी चाहिए, मंडी बननी चाहिए, इसका विकास हो, जैसे मार्केट का विकास हो। बनी पड़ी है 30 साल हो गए कॉम्प्लेक्स को, है ना, 30 साल हो गए कॉम्प्लेक्स को, मंडी बने 5 साल हो गए, साल होती तो सबको रोजगार ही मिलेगा और उससे सबका लाभ मिलेगा। मेरा नाम मोहन शर्मा है और मैं कालाकुआ से बोल रहा हूँ, कालाकुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो जी पीछे जगह दिख रही है आपको, यहाँ पहले सब्जी मंडी का आज से 5 साल पहले निर्माण हो चुका है और हाउसिंग बोर्ड में भी नक्शों के हिसाब से यहाँ सब्जी मंडी बनी हुई है। इस सब्जी मंडी का निर्माण भी हो चुका, इसका ना तो कोई नीलामी की गई, ना किसी को कोई सूचना, ना यहाँ सब्जी मंडी चालू की गई है। हमने कभी भी कई बार कहा पर इसका कोई नहीं हुआ, बीच में कोरोना आ गया था इस वजह से इसका कुछ नहीं हुआ। अब आपका क्या विरोध? अब यहाँ पर ये विरोध है कि यहाँ पे इंदिरा रसोई चालू की जा रही है। किसके द्वारा? ये नगर परिषद के द्वारा इंदिरा रसोई चालू की जा रही है। ये नगर परिषद के द्वारा इंदिरा रसोई किस लिए चालू की जा रही है, जबकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी सब्जी मंडी है? दुकानदारों ने दुकान किस लिए खरीदी यहाँ के? आगे चल के भविष्य में सब्जी मंडी बनेगी तो हमें दुकानों का फायदा मिलेगा, जब सब्जी मंडी नहीं रहेगी यहाँ पे तो क्या फायदा मिलेगा उनको? तो अभी ये ठेकेदार के द्वारा अभी जैसे मटेरियल डाला गया है, अब क्या कर रहे हैं? ठेकेदार से हमने सुबह रिक्वेस्ट करके कहा, उससे मना भी किया पर वो नहीं माना। पहले तो उसने कह दिया नहीं करवा रहा काम, थोड़ी देर बाद उसने काम चालू कर दिया, फिर उसके बाद हमको सबको इकट्ठा होना पड़ा। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ये इंदिरा रसोई ना चालू करके, इसके पीछे जगह है, पीछे खूब अच्छी जगह है, ऑन रोड की जगह है, वहाँ पे जाके नगर परिषद को चालू करनी चाहिए और ये मंडी चालू, यहाँ पे मंडी को चालू करना चाहिए, मंडी की जगह है तो मंडी चालू होनी चाहिए।